पहले वीजे अमन जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि रेडियो दिखाती है, और आज दिखाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल शख्स मौजूद है, क्योंकि वो भी मेरी तरह पंजाब से बिलोंग करते हैं, पटियाला से हैं, और फिलहाल वो जो है वो हम सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। इतने सारे सालों से मेहनत करते आए हैं और मतलब हर एक टीवी चैनल पे इन्होंने अपना शो करा है, तो आज फाइनली ये हिंद रेडियो पर भी आ गए हैं और मुझे लगता है हम सबका सपना पूरा हो गया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं शरहान सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो KYC यानी न्यू ईयर सेलिब्रिटी पर। Thank you, Aman. Thank you so much. And I think welcome everyone, whoever is listening us. Actually, आज का लॉकडाउन के कारण बहुत बहुत मौके मिले लोगों से रूबरू होने के, बात करने के, पर पिछले कुछ 6-8 महीने से एक ऐसा माहौल बन गया था, तो I was not giving any interview. Plus, मेरी मूवी रिलीज हुई थी, तो मूवी के वक्त काफी सारे इंटरव्यूज हुए थे मेरी पंजाबी फिल्म के। So, then, you know, I was keeping myself away for some time. And this is my first interview. Now, I can say after a long gap. And Punjabi team, Punjabi ladki, and that's it. So this is something again, you know, like a coming back and activity shuru ho rahi hai, corona khatam ho jaye, isse phir se shuru ho normal ho life. Yeah. जी बिल्कुल। अच्छा हमने सुना है कि आप एक्टर की जगह एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्या ये बात सच है? एक्चुअली इंडिया में 50% बच्चे क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, तो मैं भी थोड़ा बहुत वैसा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट काफी था क्रिकेट, बिकॉज मैं घर से जो पैसे लेता था मैं क्रिकेट का सामान खरीदने की चीजें लेता था, क्रिकेट की बॉल खरीद ली, विकेट खरीद ली, तो आई थिंक मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा था, क्योंकि जो हमारे एरिया के लोकेलिटी के बच्चे होते हैं 15-20 बच्चे हम इकट्ठे होकर खेलते थे, तो आई यूज टू बाय एवरीथिंग कि मैं लेके आता हूँ चलो खेलते हैं, तो वो शायद बचपन से हो गया था। फिर स्कूल में हमने जब ट्रायल दिए तो आई वाज अ बॉलर, यूज्ड टू डू मीडियम फास्ट, मेरा हैट्रिक हुआ ट्रायल में, तो मुझे लगा सही अच्छा है, मेरी सिलेक्शन भी होगी स्कूल में, पर वहाँ पे मैं देखता था कि वेरी टफ, आप नए एज ए मतलब सिंगल जाते हो, आपका कोई अपना बंदा नहीं है, तो मोस्टली जितने क्रिकेटर्स थे किसी का भाई ऑलरेडी खेल रहा था, किसी के फादर इन्वॉल्व थे, तो आई रियलाइज की क्रिकेट में ये मुश्किलें आने वाली हैं आगे जाके, तो मैंने खेला 2-3 साल कॉलेज तक खेला, पर कॉलेज में जाके लगा नहीं शायद क्रिकेट में बहुत मुश्किल होगा ये चीजों का, क्योंकि आप अच्छा करने के बावजूद भी आपके पास एक सपोर्ट होनी चाहिए, आपकी जो फैमिली में कुछ लोग हैं या कोई बड़ा भाई है या आपके फादर है या आपका कोई अंकल है, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको उस चीज में इंट्रोड्यूस करवाए अच्छे से, तो देन आई लेफ्ट क्रिकेट कम्प्लीटली, देन आई गॉट इनटू मॉडलिंग एंड देन चोज इट एज अ करियर। अच्छा आप वैसे खुद कभी टीवी शो डेली सूट्स देखा करते थे पहले जब आप एक्टर नहीं थे? हाँ ये भी दूसरा मेरा दूसरा इंटरेस्ट टीवी का था, क्रिकेट के साथ ये दोनों मैंने बैलेंस किए थे, मैं अगर अपना 50% टाइम क्रिकेट को देता था तो 50% में नहीं ये कहूंगा 40% क्रिकेट को 40% टीवी को और 20% पढ़ाई को देता था टाइम सब, तो लेट मी डिवाइड दिस, तो आई डिड दिस, तो वो चीजें चलती रही, पढ़ाई इतनी होती रही कि हमेशा एक 50 के ऊपर नंबर आ जाए मार्क्स ले लूं मैं, और क्रिकेट में कोशिश करता था खेलता रहूं देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिल्मों का या सीरियल का बहुत इंटरेस्ट था मुझे, मैं हर टीवी शो देखता था जो अच्छा होता था जिसमें लगता था, और फिल्में देखने जाता था मैं जब भी कोई फिल्म लगती थी नई, तो क्योंकि पेरेंट्स का कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, पेरेंट्स ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये करना है ये नहीं करना, तो आई थिंक आई वाज वेरी फ्री माइंड, तो जितनी फिल्में लगती थी मैं सारी फिल्में देखता था, तो आई यूज टू डिस्कस विद माई डैड लाइक अबाउट एक्टर्स अबाउट, आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज छुपी हुई थी चीजों को करने वाली। जी तो जब आप टीवी सीरियल देखते होते थे तो आपका उस टाइम पर ऐसा कौन सा सीरियल आपको देख के लगता था यार ये वाला कैरेक्टर ना मैं बहुत अच्छा कर सकता था? नहीं पहले ऐसा दिमाग में नहीं आता था कि ये कैरेक्टर मैं अच्छा कर सकता हूँ, पहले सिर्फ उनको देख के मैं एंजॉय करता था कि बड़ा अच्छा कर रहा है ये अच्छा एक्टर है इसका ठीक है, बस आई नेवर रिलेटेड माई सेल्फ पहले, तो शायद वही चीज थी कि मुझे लगता नहीं था मैं इनके जैसा कर पाऊंगा चीज को, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन यू आर न्यू व्हेन यू आर जस्ट वॉचिंग थिंग्स एंड Realizing something is good, you liking it. So, शाहरुख खान के जब सीरियल शुरू में आए थे फौजी दिल दरिया सर्कस दूसरा केवल मुझे सारे याद थे क्योंकि मैं सारे सीरियल देखे थे, मुझे लगता था he is very good actor, और मैं शुरू से शाहरुख का काफी I adored him already, मैं उसका फैन रहा हूँ शुरू से सीरियल जब सीरियल भी किए थे, तो जितने सीरियल आते थे संडे अगर 11 बजे सीरियल हर हफ्ते बाद आना है क्योंकि आजकल का टाइम एक डिफरेंट है, आजकल 11 चैनल पे 11 सीरियल चल रहे होते हैं एक ही टाइम पे, तब संडे के संडे 11 बजे एक सीरियल आता था, एक 10:30 बजे आता था, एक रात को 8 बजे आता था, या फ्राइडे के फ्राइडे को आता था, तो एक अब लिमिटेड टाइम था आपके पास,
वो इसलिए चॉइस भी थी कि सब पढ़ाई खत्म करके खेल के आएंगे, 7:30 बजे ये देखना है, कल 9 बजे ये देखना है, कल दोपहर को 1:30 बजे ये। तो वो सीरियल वाला या एक्टिंग का इंटरेस्ट, एक्टिंग का नहीं कहूंगा, टीवी का, फिल्मों का इंटरेस्ट मेरा काफी तक जी। तो अभी अगर बात करें कि आपने कितने ऑडिशंस दिए, अपना पहला रोल आपको मिलने जब मिला, आपको उससे पहले कितने ऑडिशंस आपने दिए? लेकिन मुझे लगता था, कई लोग बोलते थे हमेशा जब एक्टर बनने की कोशिश की यूनिवर्सिटी में, थिएटर डिपार्टमेंट में जो पुराने हमारे सीनियर्स थे जो बॉम्बे में काम करते थे या बॉम्बे से काम करके पंजाब आए थे, हम वर लाइक हैप्पी कि नहीं यार काम का तरीका ठीक नहीं है, काम नहीं होते, बहुत टाइम खराब होता है। एक बोलता है कि मैंने तो 1000 ऑडिशन दे दिए, 2-4 ही काम हुए मेरे, कुछ मजा नहीं आया। लकीली मैं फॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं जितनी बार ऑडिशन देने जाता था मैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाता था। तो मेरे लिए ऑडिशन इज वॉज लाइक अच्छा होगा, अच्छा देना है एंड दे विल टेक यू। तो वो मेरा शायद मैं कहूंगा कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था वहां पे भी ऑडिशन हुए पढ़ाई करते करते थिएटर के बाद, तो वहां भी मैं सिलेक्ट हो गया ऑडिशन देते हुए। फिर दिल्ली में कुछ ऑडिशन दे गया, वहां से भी सिलेक्ट हो गया। फिर पंजाब में या पटियाला में हमारे डिपार्टमेंट में दिल्ली से या बॉम्बे से कोई आते थे तो स्टूडेंट सिलेक्ट करते थे थिएटर डिपार्टमेंट के, तो वहां भी मैं कई बार सिलेक्ट हो गया। तो मैं ये कहूंगा अगर मैंने 2000 ऑडिशन दिए हैं तो 800 काम किए हैं, तो वो एक अच्छा काम रहा है कि काम की एक काउंटिंग भी उसके साथ चलती थी। अच्छा, ये कभी सोच के रखा था कि मैं हर टीवी चैनल में एक एक शो जरूर करूंगा? कभी सोच के रखा था ये आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी नहीं सोचते कि मैं क्या, मेरे साथ कितना अच्छा होगा तो कितना बुरा होगा। आप सिर्फ कोशिश करते हो कि अच्छा कर लें, बस गड़बड़ ना हो। तो मेरे ख्याल से पहला जब मैं चंडीगढ़ में था तो पहला शो मेरा वही हुआ। मैंने 3-4 लगातार सीरियल किए दूरदर्शन पंजाबी के लिए, दूरदर्शन दिल्ली, दूरदर्शन के लिए। तो आप जब चंडीगढ़ में हो, पढ़ रहे हो और आपको इमीडिएटली 4-5 सीरियल मिल जाते हैं जो दूरदर्शन वाले जो भी करने आ रहे थे। मैंने जैसे बताया कि मैं जहाँ भी ऑडिशन देने जाता था मुझे खबर मिलती थी कि आज दूरदर्शन में ऑडिशन है, कल चंडीगढ़ में यहाँ पे ऑडिशन है, होटल में ऑडिशन आ रही, टीम आ रही है। तो आई यूज टू गिव ऑडिशन एवरीवेयर। तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, मतलब हर जगह का मुझे रोल मिला। तो 4-5 सीरियल मैंने दूरदर्शन की तब की। फिर दारा सिंह के साथ एक सीरियल शूट हो रहा था, बॉम्बे से टीम आई थी, चंडीगढ़ में ऑडिशन कर रहे थे वो एक्टर्स, चंडीगढ़ की कोशिश कर रहे थे आधे एक्टर चंडीगढ़। तो मैंने दारा जी के पोते का रोल किया, विच वॉज वेरी गुड रोल। तो वो मुझे जब रोल, मतलब ऑडिशन दिया मैंने दूरदर्शन में, मुझे वो रोल मिला, तो 10 या 8 दिन शूट किया मैंने उनके साथ। वो करते करते मैं इतने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो भी फिर आगे आपको रेफरेंस करते हैं, वो भी आपका नाम मेंशन करते कि हाँ ये नया लड़का था, अच्छा एक्टर था ये सब। तो वो एक अच्छा एक्टर नया अगर बन रहे हो तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है। तो उसके बाद काफी सारे पंजाबी, जी अल्फा पंजाबी के लिए हुए, फिर दूरदर्शन कश्मीर के लिए हुए। तो मुझे लगता है ये मेरी प्रैक्टिस जो पंजाब में रहते रहते मैंने जब किया। फिर एक बार सहारा चैनल पे मिशन फतेह आता था, तो वो बॉम्बे से टीम आई हुई थी, 2004 की बात है। तो उन्होंने चंडीगढ़ से ऑडिशन करके कुछ एक्टर सेलेक्ट किए, कुछ 200 लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। तो देखिए मैं वेरी गुड रोल, और आई प्लेड अ टेररिस्ट इन दैट, जो कश्मीर के जो लड़के आतंकवादी बन जाते हैं। तो वो जब मैं कर रहा था मुझे बॉम्बे के कई एक्टर मिले वहाँ पे, जो सीरियल में मैंने जिनको देखा हुआ था, इवन जो बालिका वधू में जो फादर बने थे वो भी उस वक्त उस शो में नए नए थे। तो जब शो खत्म हुआ, शूटिंग खत्म हुई, तो मैंने ऑब्वियसली आप इतने लोगों से मिलते हो, एक बॉम्बे की टीम आई है, सबके साथ आप बात करते हो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यहाँ पे रह के इतना ही काम हो पाएगा। अगर मेन स्क्रीन का काम करना है तो यू हैव टू मूव टू बॉम्बे। और एक डर भी होता है कि वहां पे जाके कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो डर को मैंने साइड में रखा। तो बिकॉज वो पॉजिटिविटी होती है जो आप शुरू से करते हैं, मैं जहाँ भी गया हूँ तो मेरे साथ चीजें हुई है तो यहाँ भी हो जाएंगी, चलो देखते। तो आई जस्ट लेफ्ट 2004 अगस्त में मैं आया यहाँ। तो तब लगा कि बॉम्बे की स्ट्रगल क्या होती है, बॉम्बे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आई हैव सीन एवरीथिंग बट आई वाज प्रिपेयर्ड, मुझे सब पता था कि ऐसी चीजें होती हैं, ये चीजें आएंगी, तो कुछ नया नहीं था। तो मुझे 3 महीने के अंदर काफी सारे मैंने एड बैड किए और शर्ट्स की एड, प्रिंट एड, डबिंग करता था मैं काफी सारे एक्टर्स की वॉइस ओवर जैसे कुछ चाहिए होती थी कार्टून चैनल के लिए मैं देता था, तो वो मेरा एक डबिंग का काम भी साथ में था। तो प्रिंट शूट भी कर रहा था एज ए मॉडल, सीरियल भी मुझे कुछ मिल गया, CIDR, सन्नाटा, ऐसे जो कुछ चलते रहते थे। Then I got Punjabi film 11/12 with Jimmy Sehgal in October, मतलब after 3 months। वो film sign हो गई थी मेरी October में, उसका January में 2005 में शूट हुआ। तो मुझे लगा हो गया, now we are started, because you're part of a big team from for Punjabi industry। मनमोहन सिंह जी जो पंजाबी की अच्छी फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं, एक्टर आपके साथ अनुभव किए, जिमी शेट्टी,
राज बब्बर ऐसे एक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नाउ थिंग्स आर मूविंग, तो वही चीज जो पहले वाली थी कि होती है चीजें, करो। बिल्कुल। अच्छा, हम अपने शो में अक्सर एक सवाल ये पूछते हैं उन लोगों के लिए जो कि यंगस्टर्स हैं और एक्टिंग में जाना चाहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं है कहाँ से शुरू करें। लेकिन आज एक क्वेश्चन वो हम डिफरेंट आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपने मुंबई की लाइफ देखी है, पंजाब से निकल के आप वहाँ गए, आपने स्ट्रगल देखा है, मेहनत करी है, हर चीज आपने देखी, ऑब्जर्व करी है ध्यान से, आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी या किस टाइप के वो लोग होंगे जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं लेकिन वहां जाके शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे अपनी शायद एक्स वाई जेड चीजों की वजह से? आपको क्या लगता है वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली कहूंगा, अगर आपको लगता है कि अगर आप बॉम्बे में काम करना चाहते हैं, एक तो फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन कैसी है, क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं चीजों में? बट पेरेंट्स से सपोर्ट 30% लो, 70% खुद आदत डालो बॉम्बे रह के, ताकि जब पेरेंट्स नहीं करेंगे तो वो 30% आप खुद मैनेज करोगे, 70% आप नहीं कर पाओ। तो बॉम्बे में अगर आप आते हो तो आप ऐसी चीजें साथ में करो कि आप पैसे भी कमा रहे हो, आप काम भी कर रहे हो और कुछ ना कुछ आपका है, या वहां पे काम करके सेविंग्स है आपकी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्डवर्क बहुत जरूरी है, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आप में होनी चाहिए। आपको खुद रियलाइज होता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता था ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि हर काम अलग होता है लेकिन कोशिशें वही होती है। तो ये आपका खुद का टैलेंट है, आप अपने आप को कितना जानते हो, जिसको हम थिएटर में बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, क्या आप समंदर में जब कूदने वाले हो क्या आपको लगता है कि आप कहाँ तक तैर पाओगे, ये आपको ही पता है, दूसरा नहीं बता पाए। तो वही चीज इसमें लागू होती है कि आपको जो करना है, आपको लगता है कि आपको सर्कमस्टेंसेस वो अलाउ कर रहे हैं चीजें करने की, तो मुश्किल कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हर फील्ड में जाते हैं, सेम पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसको जॉब मिलती है ये आपको नहीं पता, लेकिन जिसको पता कि आई एम गुड आई कैन गेट इट, उसी को मिलती है। सेम एक्टिंग का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से करने लग गया था, तो लग गया था कि आप कुछ नया नहीं है, मेरे लिए कोई लॉटरी नहीं है बॉम्बे जाके काम करना, इट्स अ ट्राई एंड योर हार्डवर्क। तो सबके लिए ये कंडीशन है कि जस्ट बी रेडी फॉर हार्ड वर्क, डोंट बी लेजी इन लाइफ, व्हाट आई सी, आपके सोने की टाइमिंग, आपके काम करने का तरीका, आपकी एक्टिविटी और हाउ यू टॉक टू पीपल, एक पॉजिटिविटी चाहिए आप में तो यू आर गुड, यू कैन डू एनीथिंग। तो बात करी जाए आपके टीवी शोज की, इतने सारे आप सीरियल्स कर चुके हैं, आपका खुद का मोस्ट फेवरेट कौन सा रहा आउट ऑफ ऑल द लिस्ट? देखिए, फिल्में, एक सीरियल, सब जो भी चीजें की, पर जिसमें मजा आता है मैं ये कहूंगा कि पहली फिल्म यारा नाल बारा, जीबी शर्किल वाली जो हमने की थी, बनपन जीबी पर, वो मजा आया क्योंकि आप एक नए हो, एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो और उनका काम करने का तरीका, यू लाइक इट, यू लर्न इट, आप फिर बड़ा सीखा है तो बड़ा ही करोगे, तो बड़े की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर सीरियल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नाम है जो एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देते हैं, जिसमें उत्तरन सबसे मेन सीरियल जो मैंने, जिससे शायद मैं जाना गया हूँ, जिससे आज भी सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस्तांबुल, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में वो शो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, आर्मेनिया, सर्बिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। उसके बाद दूसरा शो था मेरा कुमकुम भाग्य एंड कसम, आई थिंक बेस्ट कहूंगा कि उत्तरन और बीच में कसम आया थोड़ी देर, लेकिन कुमकुम भाग्य ने मुझे वापस खड़ा किया उस चीज में कि जो सिद्ध उत्तरन में था अब वो संग्राम सिंह चौटाला, शहराम सिंह कुमकुम भाग्य में है, जिसको लोग दोबारा रिलेट कर रहे हैं, नए लोग पैदा हो रहे हैं देखने वाले, उसको नए फैन पैदा हो रहे हैं। उत्तरन का एक पीरियड था 2009 का, 10 का, 11 का, एक लंबा गैप आया है, कई बच्चे बड़े हुए हैं, कई लोगों ने सीरियल देखने शुरू किए, तो वो कुमकुम भाग्य के साथ शुरू। जी, इवन आई रिमेम्बर उत्तरायण के टाइम पर मैं अपनी मदर के साथ, मैं और मेरी मदर देखते होते थे, तो 2009 की बात है, दैट टाइम आई वाज इन क्लास 9, तो मुझे बहुत शौक होता था सीरियल्स देखने का और हम लोग बिना मिस करे देखते थे। तो व्हेन आई टोल्ड माय मदर कि बिकॉज क्या होता है, पेरेंट्स को रियल नेम नहीं पता एक्टर्स के, उनको वही नाम याद होते हैं जो आप ऑन स्क्रीन में आपके नेम से है, तब मैंने बताया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड कसम भी मैंने बहुत देखा है और सब लोग मतलब इतना यू नो फैंस, जैसे आपने बात करी इंडोनेशिया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो सीरियल्स डब हो रहे हैं और लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यू हैव बीन वेरी लकी और बहुत लोग जो है वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। एंड मैं तो आपको ना टेलीविजन स्क्रीन का शाहरुख खान मैं आपको टाइटल देना चाहती हूँ। मतलब मैं शाहरुख का फैन रहा हूँ, शाहरुख को फॉलो किया है। तो हमेशा अच्छा लगता था, बिकॉज़ एक मेहनत करके एक बंदा इतना बड़ा स्टार बना,
इवन मैं अपने कभी कभी नए नए ऑडिशन होते थे तो मैं शाहरुख खान के डायलॉग प्रिपेयर करता था उसकी फिल्म, चाहे वो मोहब्बतें का हो चाहे डीडीएल, तो एक असर रहता है शायद. दैट्स व्हाई यू मेंशन यू नेम्ड मी लाइक दैट दैट एनीवेज इट्स गुड टू सी. बिल्कुल. अच्छा, जब बात करी जाती है बिग बॉस की, तो हम सबके मन में ख्याल आता है कि आप बिग बॉस में कब जाने वाले हैं? मैं सच में कहूँ तो मुझे बिग बॉस कभी पसंद नहीं आया, मैं देखता भी नहीं. बस इसलिए देखता हूँ कभी कभार जब मेरे कुछ दोस्त उसमें होते हैं और वो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, फिर मैं उनको फोन करता हूँ जब वो बाहर आते हैं. तो बस सब साथ में हमारी गेट टुगेदर होती है, तो देन आई रियलाइज कि बिग बॉस मेरी मेरी चीज नहीं है. उससे बेटर चीजें अगर मैं कर पाऊँ तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है. तो आई चोज टू गेट इन टू पंजाबी फिल्म अगेन, बिकॉज मेरी जो पंजाबी फिल्में थी 2005 में यारा नाल बारा, 2006 में मैंने जसपाल भट्टी सर के साथ की थी थाना शगना था, उसके बाद मैंने की थी वतना तो दूर, गुरसेवक मान और काफी सारे पंजाबी एक्टर थे, उपासना जी वगैरह. लेकिन मुझे लग रहा था कि पंजाबी फिल्में नहीं बन रही, इसलिए मैंने पंजाबी फिल्मों से किनारा किया, मैं टीवी में चला गया. तो वो वही टाइम था कि 2008 के बाद मैंने पंजाबी फिल्म नहीं की, क्योंकि मेरा पहला सीरियल उत्तरन की टीम के साथ जो राखी था वो मैंने किया था 2 साल. उसके बाद फिर सीरियल का एक टैग हो जाता कि आप सीरियल कर रहे हो, पहला खत्म किया उत्तरन शुरू किया, उत्तरन करते करते मैंने वह झांसी की रानी शुरू किया, झांसी की रानी करते करते महाराणा प्रताप था, गुस्ताख दिल था, लाजवंती था, हम है ना था प्रत्युषा बनर्जी के साथ, वीर शिवाजी था, तो चलते रहे काफी सीरियल. फिर दोबारा 2014 में थोड़ा गैप किया, मैंने एक फिल्म पंजाबी की थी मिस्टर मिस 420, पिन्नू ढिल्लो, युवराज हंस, जसविंदर बल्ला, बट ऑल बिग एक्टर्स फ्रॉम पंजाब. देन अगेन आई लाइक इट कि समथिंग इज गुड. तो मैं थोड़ा शायद ग्रीडी हूँ इस चीज को लेके, बहुत लालची हूँ इन चीजों को लेके कि अच्छी चीज होगी तभी मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं उनको खुद ही अब्यूज करके बोलता भाई बंद बंद करो मुझे नहीं करना. देन मुझे पद्मावत मिली उसके बाद 2017 में, तो मुझे लगा कि फिल्में, अच्छी फिल्में करने के लिए टीम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा. सीरियल करते करते अब नहीं कर पाते, लेकिन मेरे सीरियल कभी छूटी नहीं रहती, क्योंकि 2016 में कसम कर रहा था, हनुमान कर रहा था, फिर मैंने उसके बाद कसम कसम खत्म किया तो कुमकुम भाग्य शुरू किया, कुमकुम के साथ पद्मावत चल रही थी, पद्मावत खत्म किया तो ये तेरी गलियां किया, ये तेरी गलियां के बाद फिर मैंने दूसरा एक शो किया है आसाम के एक चैनल के लिए, एक चैनल बचा था तो आसाम के एक चैनल के एक शो किया मैंने, 3 महीने में उसमें बिजी था. वो खत्म करते मुझे लगा कि अब पंजाबी करनी चाहिए, तो देन आई रोट दिस मूवी आपे पैंट से आपे, इट्स अ पंजाबी मूवी. तो वो फिल्म लिखी, डायरेक्ट की, खुद बनाई. एक अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि अच्छा प्रोजेक्ट करके देखना, खुद करके देखना, हम लोगों को तो बोल देते हैं कि अच्छी चीज करो अच्छी चीज करो, अगर आपसे नहीं हो पा रही तो हम लोगों को बोलने के लायक नहीं. तो आई मेड दिस मूवी, और ये फिल्म हमारी 26 फरवरी को रिलीज हुई, एंड प्रीमियर में मुझे रियलाइज हुआ कि अब आगे जाके हम पंजाबी फिल्में करते रहेंगे, साल में चाहे 2 फिल्में हों, साल में चाहे 3 हों, चाहे 1 हो, पर एक अच्छी जरूर फिल्म आएगी हर साल जो मैं बनाऊंगा, खुद करूंगा, जिसके लिए मुझे किसी का वेट नहीं करना, किसी को बताना या पूछना नहीं. तो आई विल बी राइटिंग माई स्टोरीज, आई विल बी डायरेक्टिंग फिल्म, और साथ में टीवी तो मेरा हमेशा चलता ही रहेगा, टीवी कभी खत्म नहीं होगा. तो टीवी और पंजाबी फिल्मों का कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज होता है ये देखते हैं. अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, और मैं ये जानना चाहती हूँ आप कौन से भगवान में आप बिलीव करते हैं, कौन सी पूजा करते हैं जो इतने सारे आपने कास्टिंग अपने लिए फेच की थी, ताकि लोग ना अपने गॉड से शिफ्ट होके आपके वाले गॉड पे आ जाए और उनको भी मिल पाए इतनी सारी कास्टिंग. देखिए मैं सच में कहूँ तो मैं जब छोटा सा था मैं सुबह 5 बजे उठ के गुरुद्वारा जाता था 4 बजे, लेकिन जितना मैं जब बड़ा होता गया मैं सोचता गया कि भगवान गुरुद्वारे जाके या मंदिर जाके या मस्जिद जाके नहीं होता, या आपका खुद आप अपनी आदत बनाते हो. जब आप छोटे हो तब आपको पेरेंट्स ने एक आदत डाली थी यहाँ जाना है ऐसे जाना है. आई नेवर बिलीव इन एनीथिंग, बस डू वेल, अच्छा करो, गलत मत करो किसी के साथ, जो मैं हमेशा सोचता आया हूँ, ताकि कोई आपके बारे में बुरा ना कहे, क्योंकि आपको अच्छा करोगे तो अच्छा सुनोगे, बुरा करोगे तो बुरा सुनोगे. तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमेशा अच्छा करो, किसी के साथ गलत मत करो. अगर कोई गलत करते हैं उनको बोल के छोड़ दो, यही बोल दो कि गलत मत करो, अच्छा नहीं है. तो मेरे लिए यही भगवान है कि अच्छा करो. I don't believe in any God, but I believe in everything. क्योंकि भगवान आपके दिमाग में, आपके दिल में, आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपने दिल से काम देते हो, तो वही भगवान है, वही आपको डिसाइड करने के लिए बोलता है कि गलत करो या सही करो. तो अपने भगवान को आप बोलो कि सही करना है, सही रहना. बिल्कुल. अच्छा, कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ रही है COVID-19 की, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं, जो इतनी ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए हैं लोग, और शायद इंसान ही इंसान की मदद अब नहीं करता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे?
इंडिया फेमस रहा है इन चीजों को लेके, हर चीज चाहे वो मतलब कोई प्रोडक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, देर इज अ करप्शन, देर इज अ ब्लैक मार्केटिंग फॉर एवरीथिंग. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए, एक ऐसी पनिशमेंट रखनी चाहिए जो कोई कोई करने की कोशिश ना करे. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्योंकि मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, सऊदी, दुबई, लंदन, हांगकॉन्ग, यूरोप, जापी. पनिशमेंट मैटर्स. आपको अगर पनिशमेंट अगर आपने अच्छी रखी हुई है ना, तो लोग वो क्राइम करने की कोशिश करेंगे. पर इंडिया में तो मर्डर करके भी लोग प्ली डाल देते हैं, बेल हो जाती है. तो ये बड़ी एक गलत चीज मुझे इंडिया के सिस्टम में लगती है कि आपको सजा नहीं मिल पाती. तो सजा ना मिलना, उसी का बेनिफिट ऐसे लोग उठाते हैं तो वो क्राइम करने से पीछे नहीं हटते. तो ये जो कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, ये जान का सवाल है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये कोई एक लग्जरी की चीज नहीं है. तो जो ऐसी चीजें कर रहे हैं उनको बहुत बहुत हैवी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा ऐसी चीजें करने की कोशिश. बिल्कुल. अच्छा, आप इतने सारे ब्रांड शूट्स कर चुके हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, चाहे जिलेटल का हो और भी बहुत सारे ब्रांड्स के, तो जब आप जैसे अपनी कास्टिंग के लिए उसके अंदर अप्लाई करते थे या जब आप ऑडिशन देते थे, जो भी आपका प्रोसेस रहता था, तो आपके जो साथ वाले एक्टर दोस्त होते थे वो ये नहीं कहते थे यार भाई तू अप्लाई मत कर क्योंकि अगर तूने किया तो तू ही सेलेक्ट हो जाएगा, तू इतने सारे ऐड कर चुके, ऐसा होता था कभी? नहीं, ऐसा पे कुछ नहीं था. हर एक एड्स में क्या होता है कि आपकी लुक होती है, किस्मत होती है, बट एक टाइम आता है कि आपको एकदम काफी सारी एड्स मिल जाती है. तो 2007 में, 6 में, 8 में, 3 साल मेरे ऐसे थे कि मैंने काफी सारी एड्स में सेलेक्ट हो, कहीं मैं शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि सेम डे पे उनके शूट थे, सेम डेट्स मैच कर रही थी. तो हैव टू चूज कोक करना है या सैमसंग करना है, पॉन्ड्स करना है या निर्मा करना है. तो वो भी एक टाइम था मेरा, आई यूज टू एंजॉय दैट टाइम, क्योंकि उसी टाइम के वक्त मैं सीरियल भी शूट कर रहा हूँ. सीरियल के बीच में ही आ रहा है कि सर आपका परसों कोक का शूट है, उसी के बीच में दूसरे का फोन आता सर आपका सैमसंग का शूट है. तो फिर मैं टाइमिंग मैनेज करता था कि सीरियल का शूट सुबह करके शाम को ऐड का है या सीरियल का शाम को करें. तो आई मैनेज ऐसे मैंने कई चीजें की, पर 2008 तक मैं एड्स में एक्टिव रहा. लेकिन 8 के बाद आई गॉट इनटू प्रॉपरली टीवी. थोड़ा सा आप पीसफुली भी हो जाते हो कि आपकी शुरुआत की जो दौड़ होती है, आप हर चीज करना चाहते हो, काफी चीजें आप कर लेते हो, आपको लगता है हाँ ऐसी है, इसकी पेस यही रहेगी, आप जितना मर्जी भाग लो. पर फिर टीवी ने काफी रिलैक्स किया, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग टीवी यू कांट मूव अराउंड एवरी. जब आप एड्स करते हो या ऑन एंड ऑफ टीवी फिल्में करते हो, आपके पास टाइम रहता है ऑडिशन. तो मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कभी कभी मैं गाड़ी लेके नहीं जा सकता था क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक इज अ बिग प्रॉब्लम. तो मैं अगर फिल्म सिटी में शूट कर रहा हूँ और यशराज में मेरी मीटिंग है दूसरी फिल्म के लिए, तो मैं वहां से ट्रेन से जाता था यशराज और ऑटो पकड़ कर वहां पे क्विकली टाइम मैच करके वापिस आके शूटिंग कंटिन्यू करूँ. तो ऐसा भी हुआ है कई बार. और कई बार होता था कि फेमस स्टूडियो जो कि बहुत दूर है, फिल्म सिटी से ऑलमोस्ट 7 या 6 स्टेशन आगे, तो मैं देखता था अगर गाड़ी लेके जाऊंगा तो नहीं मैनेज कर पाऊंगा. तो मैं अपने प्रोडक्शन वाले को बोलता था कि 2 घंटे में आता हूँ. आई यूज टू टेक ट्रेन एंड गोइंग देयर, गिविंग ऑडिशन, कमिंग बैक. फिर वो ऑडिशन में कभी कभी सेलेक्ट भी हो जाता था, फिर दिमाग में लगता नहीं यार एफर्ट तो करनी चाहिए. कभी कभी कुछ चीजें आपकी होती हैं, आपको जाना पड़ेगा. ये मछली पकड़ने की जैसा है कि आपको कांटा डाल के रखना पड़ेगा, कब फंसेगी आपको नहीं पता. पार्ट ऑफ बिजनेस. जी जी बिल्कुल. अच्छा, अगर बात करी जाए, मतलब ओवरऑल अगर एस्पेक्ट देखी जाए, तो व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट, आपको क्या लगता है कि सीरियल की लाइफ ज्यादा अच्छी, जैसे आपने बताया बहुत हेक्टिक है कि यू नीड टू सिट देयर एंड यू नो ऑब्वियसली बहुत सारे आवर्स ऑफ टाइमिंग की आपकी शूट रहती है, 6 आवर्स एंड ऑल. तो आपको क्या लगता है विच लाइफ यू एक्चुअली फेल्ट इज बेटर? मैं कहूंगा कि मुझे मजा आया, फिल्मों का मजा ज्यादा आता है, सीरियल का भी है. लेकिन सीरियल का आपका रोज सेम हो जाता है, जैसे आप रोज सेम खाना आप खाने लग जाओ तो आपको लगता नहीं कल चेंज करना चाहिए. तो सीरियल अच्छे हैं. जैसे उत्तरन था, उत्तरन में बीच बीच में शूट करता था, कभी दशमी का ट्रैक आता था, कभी मेरा होता था, कभी टीना का होता था, कभी नंदिश का होता था. उत्तरन वॉज मोस्ट एंजॉयबल टाइम बिकॉज एक गैप में शूट था, रोज शूट नहीं था. सीरियल का शूट ऐसे होना चाहिए 3-4 दिन आज किया 2-4 दिन नहीं है, 3-4 दिन किया 2-4 दिन नहीं है, तो आप एंजॉय करते हो रोल को. और जब आप 25 दिन लगातार शूट करते हो, 30 दिन लगातार शूट करते हो, तो इट बिकम वेरी मोनोटोनस, यू नो, यू फील बोर्ड समटाइम्स. मैंने हनुमान किया है ऐसे, हनुमान में बड़ा मजा आया. मैं 2-4 दिन शूट करता था, 2-4 दिन नहीं करता था. हनुमान में मेघनाथ का जो रोल किया था मैंने, इट वॉज क्वाइट फेमस रोल इन हनुमान. लेकिन जब आप रेगुलर कर रहे हो, जैसे मैं कुमकुम भाग्य रेगुलर कर रहा था, लेकिन मजा आ रहा था. तो रोल बहुत इतना अच्छा हो कि आप इंजॉय कर, नहीं तो फिर सीरियल एक जॉब टाइप का हो जाता है. फिल्म व्हेन आई वाज डूइंग पद्मावत, तो आपका शूट 3 दिन आ जाए, 3 दिन शूट आपका 1 महीने के बाद है, 6 दिन शूट आपका 3rd महीने में. तो हमने बोला हम साल के लिए एक ठेके पे हैं, वी आर हियर विद देम फॉर 1 ईयर, सो व्हेनेवर दे वांट टू शूट. तो
वो ऐसे होता था कि आज शूट किया है, 10 दिन के बाद 1 दिन का शूट होगा, फिर 1 महीने के बाद 6 दिन का शूट होगा, फिर 3 महीने बाद 3 दिन का शूट होगा। वो एक फिल्म का अच्छा भी लग रहा था कि आप बड़ी फिल्म कर रहे हो, लेकिन जब व्हेन आई मेड माय फिल्म तो समझ में आया कि आई थिंक मैं काम करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मुझे खुद जो काम करके मजा आया, क्योंकि मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो इट वॉज समथिंग न्यू एक्सपीरियंस कि आप एक्शन बोल के फ्रेम में चले जाते हो, आप डायरेक्टर हो पर आप फ्रेम में जाके एक्टिंग कर रहे हो, वहीं से खुद एक्टर तो बोल रहे हो, तो दिस वॉज समथिंग वेरी फनी एंड वेरी क्रिएटिव टू लर्न। जी, आपकी लाइफ का पहला फैन मोमेंट कौन सा था, जब फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने आगे, क्योंकि आपने बहुत सालों पहले स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उस टाइम सेल्फी का जमाना तो नहीं रहा होगा, उस टाइम ऑटोग्राफ का जमाना, वो कौन सा ऐसा पहला मोमेंट था जो बिल्कुल ही यादगार? तो मुझे याद है सीरियल्स किए, लोगों ने पहचानना तो शुरू कर दिया था राखी तक, लेकिन असली जो कहते हैं वो उत्तरण के वक्त हुआ। मैं जब उत्तरण कर रहा था तो उसमें जो डायरेक्टर थे हमारे, उनकी मदर है जो कि काफी ओल्ड थी, 70-75-80 साल की थी, वो बिहार से आई हुई थी, उनके सब एक्टर्स को मिलने, डायरेक्टर ने बोला ये सारे मेरे सीरियल के एक्टर हैं, वो सेट पे बैठी, तो मैं देखा वो सबके साथ फोटो खिंचा रही थी, तपस्या के साथ, टीना के साथ, मेरे पास नहीं आई, तो मैंने थोड़ी देर में लंच किया, लंच के बाद मैं उनके पास गया, मैं कहा जी नमस्ते, कहती हम कहती बहुत तंग करते हो तुम तपस्या को, तो मैंने बोला आपने सबके साथ फोटो खिंचाई, अब मैं आपने मेरे से बात, कहती नहीं मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तुम बहुत तंग करते हो तपस्या को, उसको घर से जाने दो, उसको धमकाओ मत बार बार। Then I realized she is a big fan of Uttaran and she is so much related with the character. She thought that's me. मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं शो में तपस्या को तंग करता हूँ। और आप किसी को अपने घर में देखते या किसी के एक सर्कल में, तो ये बंदा आपको उसको लगता अच्छा नहीं है, आप उससे बात नहीं करते, आप उसको जानते नहीं। Then I realized I was happy कि मैंने उस रोल को ऐसा किया कि एक टीवी के जो दर्शक हैं उसको इतना जीवित समझ गई, कि इतना जिंदा समझ गई कि ये वही कैरेक्टर है जो मैं सीरियल में देखती हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम हुआ जब हम उत्तरन की शूटिंग कर रहे थे, तो लोग बाहर खड़े थे हमारी फोटो, हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए, कहते तपस्या और सिद्ध के साथ फोटो खिंचा। देन आई केम आउट, दिल्ली से काफी सारे लोग आए हुए एंड दे वर आउटसाइड, तो देन आई रियलाइज कि ये है हमारा काम, कि लोग देखते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इतनी धूप में वो बाहर खड़े थे, इतनी आधा घंटा क्या था मुझे पता नहीं था कि बाहर खड़े हुए, तो मैं लंच करके जब निकला तो दे वर वेटिंग, तो इट वॉज समथिंग रियली ग्रेट। अच्छा, आपकी अब जैसे कि आपने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, आप फिल्म में डायरेक्ट करने वाले, लिखने वाले, खुद की फिल्में आप बनाने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो अपकमिंग जो एक्टर्स हैं उनको देखने को मिल सकती है अपने लिए आपकी फिल्म्स के अंदर? देखिए पहले तो मैं अपनी फिल्मों में ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं सब नए एक्टर्स लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट होता था ऑडिशन देके, जिनको मुझे लगता है कि ये अच्छा एक्टर है, इसको लिया जा सकता है। इवन मेरी जो फिल्म, पिछली फिल्म जो हमने फरवरी में रिलीज की है, उसमें भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो पंजाब में मैंने मतलब इतना ज्यादा काम नहीं कर दिया हुआ, उन्होंने काफी देर से जुड़े हुए इंडस्ट्री के साथ, लेकिन फेमस नहीं है, लोग फेमस एक्टर्स को लेते हैं साइन करते हैं। मैंने सब वो एक्टर्स दिए जो अच्छे एक्टर हैं, जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े भी हुए हैं, उनको उनके हिसाब से रोल दिए, अच्छे रोल दिए, किसी को बहुत बड़ा रोल मिल गया, किसी को अच्छा रोल मिल गया, किसी को ठीक ठाक रोल मिल गया, सबको उनके लुक और उनकी एक्टिंग के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से काम मिला। और जब मैंने फिल्म खत्म की, आज फिल्म रिलीज की, रिलीज के एंड में जब हम उठ के बात की हमने कि सब लोग परफेक्ट थे, हर किसी ने अपना रोल बड़ा अच्छा निभाया, चाहे वो प्यार सीन के लिए आया था, चाहे वो आधी फिल्म के लिए था, तो देन आई रियलाइज कि मेरी चीज वो सही जो मैंने सोची थी, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मैं कुछ नया करने चला हूं, और लोग बोलते हैं कि स्टार कास्ट के साथ काम करना है, मैंने बोला नहीं, यही लोग स्टार हैं, यही लोग काम करेंगे, आगे जाके काम करेंगे। और मेरी फिल्म के बाद काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, दो तीन दिन फिल्में कर ली है मैंने। जी, आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, मतलब रेडियोज में, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज, एवरीवेयर यू आर देयर, तो आज लाइफ में पहली बार एक वीडियो जॉकी के साथ इंटरव्यू करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑब्वियसली यू आर गुड एट योर इंटरव्यू, सो आई लाइक इट ऑलवेज व्हेन अ पर्सन हु इज टेकिंग माय इंटरव्यू इज गुड, क्योंकि आप भी अच्छा बोल पाते हो, अच्छे जवाब दे पाते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर एक हाथ में चोट लगी है तो नहीं बजा सकते, तो ये जरूरी था, अच्छा है, इट वॉज वेरी गुड, बिकॉज आई नो वी वर ट्राइंग टू डू इंटरव्यू इन आई थिंक वीक, मोर देन वीक, बट वो थोड़ा टाइम मैच नहीं हो पा रहा था, और आई थॉट कि व्हेन आई एम गिविंग माय इंटरव्यू आई शुड बी वेरी पीसफुल, बिकॉज इन बिटवीन आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो, तो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इफ यू नॉट फीलिंग वेल, यू डोंट, यू आर नॉट एनर्जेटिक, इट्स अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट इंटरव्यू, इट्स अबाउट टॉकिंग, तो
अगर आपको लगता है कि 100% नहीं है तो आप रुक जाओ, जब 100% हो तभी चीजें करो, तो अच्छी भी होंगी और याद भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, एंड जाते जाते अपने फैंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज जरूर छोड़ के जाएंगे। मैसेज यही है, अभी थोड़ा सा टाइम खराब है कोरोना का, तो ध्यान रखिए, लापरवाही मत कीजिए, बिकॉज मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद ध्यान दिया नहीं दिया, हम मिल नहीं पा रहे किसी से, पर बड़ा दुख होता है आप अपने आसपास के लोगों को जब जाते हुए देखते हैं ऐसे और इतनी कम एज में। तो सबके लिए यही मैसेज है कि अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, कोरोना से बच के रहिए, अगर कोई बीमारी की प्रॉब्लम नजर आती है इमीजिएटली चेकअप करवाइए, कोई अवॉइड ना करें, बस बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर।